हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट में होने वाले एब्सेस के बारे में, जो लैक्टेटिंग मदर में काफ़ी देखने या सुनने को मिलता है। तो ब्रेस्ट एब्सेस का सिंपली अगर देखें तो मतलब होता है कि ब्रेस्ट में पस का इकट्ठा हो जाना। ये क्यों होता है? जब भी आपके ब्रेस्ट में दूध की गांठ बन जाती है, यानी मैस्टाइटिस हो जाता है, और इसको 2 से 3 दिन के अंदर ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से जो है पस इकट्ठा होने लगता है। और एक बार अगर पस इकट्ठा हो गया तो आपके मसाज करने से या फिर मिल्क के एक्सक्रीशन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका काज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो वो क्रैक निप्पल के थ्रू बैक्टीरिया आपके मिल्क डक्ट में एंटर करता है, या फिर बेबी का जो ओरल कैविटी होता है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो बेबी के थ्रू भी जो है इन्फेक्शन आपके ब्रेस्ट में जा सकता है। या फिर कभी कभी जो होता है कि मदर जो है वो प्रॉपर दूध नहीं पिला रही है, तो जो दूध है वो अंदर ही अंदर जमा होने लगता है और दूध की गांठ बनने लगती है। या फिर कुछ कंडीशन में मदर किसी बीमारी की वजह से, या फिर बच्चा बीमार है, सिक है, एडमिट है, तो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, इसकी वजह से भी जो दूध की गांठें बनने लगती हैं और वो धीरे धीरे एब्सेस में बदल जाती हैं। तो इसको किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट में जो मिल्क है उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। जब भी मिल्क इकट्ठा होगा तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो बेबी को ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंटली फीड कराएं। अगर किसी वजह से आप बेबी को फीड नहीं भी करा पा रहे हैं तो ब्रेस्ट पंप के थ्रू या फिर हाथ से उसको अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क को निकाल लें, और ब्रेस्ट को हमेशा सॉफ्ट रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना। अगर ये 2-3 चीज़ें ही आप करते हैं तो काफ़ी हद तक ब्रेस्ट एब्सेस के केस से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? मदर जो आती हैं वो ब्रेस्ट में दर्द और सूजन का कंप्लेन लेके आती हैं। ब्रेस्ट में लालीपन बना होता है, वहाँ का जो एरिया होता है स्पेशली काफ़ी गर्म होता है। कभी कभी तो कुछ पेशेंट में निप्पल से ही पस का जो सिक्रीशन है वो देखने को मिलता है। ऐसे तो ब्रेस्ट एब्सेस को क्लिनिकली काफ़ी अच्छे से पहचाना जा सकता है, लेकिन USG के थ्रू ये काफ़ी अच्छे से पता लग जाता है कि कितना बड़ा एब्सेस है, पस का कलेक्शन कहाँ तक है, कितने एरिया तक ये फैला हुआ है। तो डॉक्टर जो है अक्सर ही ऐसे केसेस में एक बार आपका USG करा के एक रिव्यू ले सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन में पहले तो एंटीबायोटिक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, एक बार अगर पस का कलेक्शन है लार्ज एरिया में है तो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जो लोग एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं वो लोग लकी होते हैं, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड कर भी जाते हैं तो वहाँ का जो पस है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक जो लंप जैसा एरिया है वो वहाँ बना रहता है और वो जाने में महीनों लग जाते हैं। इससे भी जो मदर है वो परेशान हो जाती है। तो परेशान नहीं होना है, इसको गैलेक्टोसील बोलते हैं। एक बार USG करके बस कन्फर्म कर लेना है कि ये गैलेक्टोसील है और किसी तरह का फाइब्रॉयड या फिर और कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो पस को निकालना पड़ता है। पस निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो USG गाइडेड करते हैं, पस को ड्रेन करते हैं, तो उसमें USG से देख के एक लंबी सी निडल को अंदर डाल के पस को बाहर निकालते हैं। तो ये एक सिटिंग में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसके लिए 4 से 5 बार आपको डॉक्टर के पास आना पड़ता है। साथ साथ आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक का कवरेज भी देते हैं। दूसरा तरीका है कि एक छोटा सा निक लगा के पस को पूरी तरह से एक ही बार में निकाल दिया जाता है, साथ साथ अच्छे एंटीबायोटिक को दिया जाता है। इसमें जो निक लगता है इसमें टाँके नहीं लगाए जाते हैं, रेगुलर आपकी ड्रेसिंग की जाती है और एंटीबायोटिक से और मेडिसिन से वो धीरे धीरे हील हो जाता है। इसमें जो पस निकलता है वो डॉक्टर एक बार जांच के लिए भेज सकते हैं कि किस तरह का जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर रहा है, जिससे जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इजी हो जाता है। कभी कभी ये जो कट लगता है और जो घाव है वो भरने में काफ़ी समय ले लेता है, जिसकी वजह से आप बेबी को प्रॉपर तरीके से दूध नहीं पिला पाते हैं और आपका जो बेबी है वो आपके दूध से भी वंचित रह जाता है। तो इन सारी परेशानियों का सामना करने से बेहतर तो यही है कि आप बेबी को प्रॉपर तरीके से दूध पिलाएं, हाइजीन को मेंटेन करके रखें और ब्रेस्ट में जो है वो मिल्क को कलेक्ट ना होने दें।
होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। थैंक यू।